मोटरसाइकिल से नागपुर महाराष्ट्र से आकर बैंक के एटीएम को तोड़कर चोरी का प्रयास करते हुए एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मोटरसाइकिल से नागपुर से आकर सोमनी के बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में घुसकर एटीएम में चोरी करने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी बैल दौड़ में 2 लाख रुपए हार गया था, इससे परेशान चल रहा था। हालांकि पूरे मामले का खुलासा प्रेस वार्ता कर पुलिस ने किया। 2:30 बजे हमें सोमनी थाने में कंट्रोल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम सोमनी में कोई अज्ञात व्यक्ति एटीएम के साथ में छेड़छाड़ का प्रयास कर रहा है। सूचना मिलने के तत्काल ही 10 मिनट के अंदर हमारी पेट्रोलिंग टीम और हमारे थाना प्रभारी सोमनी स्वयं वहाँ मौके पर गए और वहाँ जाके जब देखा तो एक व्यक्ति अंदर में एटीएम को तोड़ रहा था और वहाँ से पैसे निकालने का प्रयास कर रहा था। जब उससे पूछताछ की गई तो स्वप्निल मंगर गांव सालाई नागपुर महाराष्ट्र का निवासी है।